विवेक जी मुझे लगता है कि माइक की ज़रूरत नहीं होगी पहले तो मैं इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई इसके लिए हम थैंक्स कहना चाहती हूँ पर्सनली थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी, इतनी अच्छी फिल्म बनाई मैं ये सवाल करने की हिम्मत कहां से जी मैं 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 खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार की बहू और हमारा भी चेहडू के पास गांव था जहां हमारी प्रॉपर्टी थी और हमें हमें भी निकाला गया वहां से हटाया गया लेकिन मैं अगर उसका स्याह पक्ष देखूं और मैं कहना चाहूं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कहना चाहूं कि अगर अगर वो लोग हैं और आज आज की जो सिचुएशन है जिसमें सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है विधु विनोद चोपड़ा ने भी अभी अभी, अभी एक अच्छी फिल्म बनाई थी इस पर तो क्या उनको वो जो जो स्याह पक्ष है वो लोग हैं उनको जोड़ना जरूरी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बैठा है उनको गोद में बिठाने के लिए तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की भी चीजें निकाले एक छोटे से बच्चे को एक चार साल के बच्चे को टेररिस्ट करार कर दिया गया था और वो, कुछ मेरी बेटी ने जाकर वहाँ रिसर्च किया था तो उसने मुझे बताया था तो मैं मैं, मैं सिर्फ आपसे क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या कोई ऐसी कड़ी जहाँ आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े उन दोनों को साथ लाने की कोशिश देखिए क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है हम लोगों को पैसा नहीं जोड़ता है जो जो लोगों को इंसानों को जोड़ता है आपस में वो है कल्चर बिना कल्चर के हम जानवर हैं हमें कल्चर जोड़ता है कैसे आप कहीं और से हैं मैं कहीं और से हूँ आप कहीं और से हैं लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में या कपड़ों को लेके त्योहारों को लेके म्यूज़िक से आर्ट से कहानियों से लिटरेचर से ड्रामा से फिल्मों से हम क्यों ओ और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है फिल्म जब हम तीन चार सौ लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं एक साथ रोते हैं एक साथ उठ के चले जाते हैं तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है एक मोनोटोनिक चीज़ है कोई डाइवर्सिटी कश्मीर इतना डाइवर्स था भारत से जगह जगह से केरला से बंगाल से सब जगह से लोग वहाँ गए थे और वहाँ रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाइस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट तो वहाँ पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है 90 परसेंट से ज़्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहाँ हुआ इतनी डाइवर्सिटी थी आज डाइवर्सिटी नहीं है जीरो डाइवर्सिटी है वहाँ म्यूज़िक नहीं है आर्ट नहीं है लिटरेचर नहीं है, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए तो फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पर उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले और अल्टीमेटली बीस तीस सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा तो ना डाइवर्सिटी है कुछ भी नहीं है ये जो फिल्म है जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं आप झगड़ा करके मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं आप दिल्ली में तो मैं रहता था तो 24 घंटे मैं देखता था ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता फिर दो चार घंटे के बाद

कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं उससे आपको सब समझ में आ जाएगा मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज़्यादा नहीं मानता मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर हिंदू फिलोसफी क्योंकि बचपन से मैंने देखा है सीखा है और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं उसकी उतना आदर करता हूँ मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है और मैं जानता हूँ कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है सब जानते हैं कि अलग विचार के अलग फेथ के लोग हैं हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी और छोटी एक दो बच्चियों को हमने बुलाया था आठ नौ साल सात आठ नौ साल की जो ज्यादा जानती नहीं है बहुत ही इनोसेंट बच्चियाँ वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी तो हम कैमरा वैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे उदय जी हमारे डी सर हैं यहाँ पे तो और एक बच्ची शायद एक बजा होगा दोपहर का नमाज का टाइम था तो पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी तो पल्लवी ने बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी तो कह क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ आ, तो कह लगी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने पर लेकिन नहीं देखो ऐसा है मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ कह लगी तो क्या हुआ नमाज तो हर कोई पढ़ता है एक आठ नौ साल की बच्ची दस साल की बच्ची दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं पर कश्मीर में उन्नीस के बाद जो पैदा हुए हैं लोग उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज है इस इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का वो लाल रंग के जूते पहनता था तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे चमकते हुए लाल तो मैंने उससे ऐसे ही चढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं कहा थाईलैंड से लाए हो फॉरेन से लाए हो कहता हां तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा बीस पच्चीस हजार रुपए के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह तो मैंने बोला थाईलैंड से वो बोला नहीं दिल्ली से इंडिया भी नहीं बोला उसने दिल्ली से और मैं यकीन से कह सकता हूं थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें कल्चर को आर्ट म्यूजिक लिटरेचर आर्किटेक्चर इन सब चीजों को खत्म कर दें तो वो किसका लॉस है क्या वो कश्मीर का लॉस है क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है क्या वो भारत का लॉस है या पूरी ह्यूमैनिटी का है अगर कोई आज सिलिकॉन वैली वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो किसका लॉस है वो आपका और हमारा भी तो लॉस है लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरावली बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए तो किसी और का प्रॉब्लम है देख लेंगे पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूँ आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे so be prepared before you see this film